हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ब्लॉग स्टार्टिंग होता है। मैं ये कहाँ जा रही हूँ अभी ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो अभी बज रहे थे रात के 8:30 और हम दोनों यानी कि मैं मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं एक शॉप पर, जो अभी आपको आगे वीडियो में बने रही और देखिए। और ये आप देख रहे हैं देवरिया में, जो लोग देवरिया के होंगे वो तो जानते ही होंगे कि 9 बजे ये ट्रक की लाइन क्यों लग जा रही है अब जगह जगह। हम 9 बजने ही वाले थे, ये तो शुक्र है कि हम सही समय पे गए भी और सही समय पे वापस आ गए, नहीं तो हम तो जाम में फंसने वाले थे। क्योंकि 9 बजे के बाद ये एक भी ट्रक आपको नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मतलब भीड़ भाड़ यहाँ से एंट्री है ये ट्रकों की रात 9 बजे से। और उसके बाद अब हम आ चुके हैं शॉप पे यानी कि पोखरे के पास। तो ये हम रुके यहाँ बालाजी स्वीट्स वाले के वहाँ। यहाँ का जो हम लेने जा रहे हैं, यहाँ आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो हमने सोचा कुछ उनके लिए सरप्राइज़ करी। तो उनके लिए हम आए केक लेने के लिए और केक हम ज़्यादा ही लेट हो गए थे तो हमें ये 2 ही केक दिख रहे थे और नीचे 2 थे। तो हम मैं ये सोची पाइनएप्पल वाला तो थोड़ा खट्टा होता है तो इस वजह से मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर ना लेके मैंने ये वाला फ्लेवर लिया। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं यही वाला ट्राई करती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैंने ये वाला ट्राई नहीं किया था, चॉकलेट खाए, रेड वेलवेट खाए लेकिन ये नहीं ट्राई किया। और देखिए कितना अच्छा टेस्टी टेस्टी मिठाई रखा हुआ था। अगर मेरी दुकान होती तो मैं तो कितना खाती, दिन रात खाती ही रहती। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, केक वेक ले लिया हमने और ये मारा यू टर्न हमने और अब हम चलिए घर की ओर। हमारे घर से ये शॉप 5 ही मिनट की दूरी पे है तो हम ये इसी से ले लेते हैं। और केक भी ये काफ़ी अच्छा बनाते हैं, जो लोग होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग यहाँ हमारे ओर के होंगे आसपास के उन्हें पता है। तो हम आ गए अपने भूतिया जगह हम आ गए अपने घर और वो 2 लाइटें आप देख रहे हैं वो हमारे ही घर है वहाँ पे। तो अब हम आ गए घर और ये बिट्टू एकदम बेचैन केक खाने के लिए, उसको तो रुका ही नहीं जा रहा था। और ये केक देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा है, है? दूसरे के पेट में पचेगा कि नहीं? चाट ले, चाट ले। आए अपने के बर्थडे के दिन चाट ही नहीं है सब के सब। आराम से यहाँ से केक निकाल के पहले ही चाट लिया था। अच्छा तुम कितने कम चाट लेते हो? तो रोज बर्थडे मनाते हैं तो बिट्टू से कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि बिट्टू को केक बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखिए मैं पास से आपको केक दिखाती हूँ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा। वाकई ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। और आगे आप देखिएगा इस केक की हालत, बिट्टू ने क्या की थी। तो ये आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ये मेरे ननद का बेबी है और हमने इसे जगाने की बहुत कोशिश की तो ये जग ही नहीं रहा। तकिया वकिया लगा के सोचा कि ये अपना सर सीधा रखेगा तो ये जनाब सोने में बिजी हैं। अभी इनकी थोड़ी देर बाद नींद खुलेगी, जैसे ही 9 बज जाएंगे। भी 9 बजने वाले थे भी बजे नहीं थे, अभी भी देखिए ये सो ही रहे हैं। तो अब स्टार्टिंग है मम्मी पापा की केक कटिंग की और देखिए पहले थोड़ा शूट कर लिया जाए। तो फाइनली अब ये महाराजा जी उठ गए हैं और उठ के फिर सो गए हैं क्योंकि ना इनको उठते देर लगता है ना सोते, तो वो फिर से सो गए हैं। और अब आई केक कटिंग की बारी। बिट्टू से हमने कह दिया ताली बजाने के लिए तो बिट्टू बेचारे सो फाइनली मम्मी पापा ने केक कट किया
तो आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी कौन सी थी, पापा बोल रहे थे कि 43 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये 43 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। तो मम्मी पापा ने खिलाया एक दूसरे को, बिट्टू भाव खा रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए तो पूरा चाहिए, और ये बाबू भी मतलब हम जब तक आए हैं। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर का केक का सब गायब हो गया और यही दो लोग हैं जिन्होंने ये गायब किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और में, बाय बाय।